नमस्कार, एशिया न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। आइए देखते हैं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। संसद में पक्ष विपक्ष का सियासी शोर, मणिपुर में गोलियां गूंज रही है। लोकसभा और राज्यसभा छठवें दिन भी नहीं चल सकी। कुनो के जंगल में लापता हुई मादा चीता। रेस्तरा एसोसिएशन पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना। वर्ल्ड कल्चर फोरम में देश का पहला शहर बेंगलोर। अमरनाथ यात्रा पर इस बार रिकॉर्ड 3,69,000 श्रद्धालु पहुंचे। 34 साल बाद श्रीनगर की गलियों से गुजरे ताजिए, लाल चौक रूट पर वापसी। 6 महीने में पीएम की 7वीं राजस्थान यात्रा। लाल डायरी के पन्ने खुल गए तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे, मोदी ने कहा। अयोध्या में राम मंदिर के 5 मंडप के खंभे तैयार, फाइनल दौर में नक्काशी। तमिलनाडु में धनुषकोड़ी को बसाने में सियासी अडंगा। उत्तर कोरिया में रूसी रक्षा मंत्री किम जोंग उन से मिले, हथियार और मिसाइलें देखी। नाइजर में सेना ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को कैद किया, देश में आपातकाल लागू। स्टेपल वीजा, भारत ने वुशु टीम को चीन जाने से रोका। सिंगापुर में भारतीय मूल के पूर्व मंत्री थर्मन भी राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।